हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इसका नेक्स्ट भाग दिखाएंगे। पिछले भाग में जो है हम टाइल्स लगाए थे, टाइल्स के बाद ये आपका टीवी का इंटीरियर पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में टाइल वर्क एंड कुछ बेसिक वर्क है, उतना कलर देने का है। ये लास्ट भाग रहेगा, मतलब ये घर जो है डुप्लेक्स है। अगर इसके ऊपर हम छत तो सब बनाए तो भी और बेस्ट दिखता, डिपेंड रहेगा। ओके, कलर देने के बाद एक अलग ही लुक आता है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका बाथरूम। सो बाथरूम भी किस तरह से दिख रहा है ना, एकदम HD। आप चाहे तो वॉल टेक्सचर भी लगा सकते हैं, टेक्सचर घर के अंदर। ओके, ये जो है टॉप व्यू। फिलहाल जो देख रहे हैं ना आप, ये टॉप व्यू है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आप, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों। साउथ फेस एज एंट्रेंस, लिविंग एरिया, स्टेप्स, किचन, कुछ स्टोर के लिए जगह, पूजा रूम, ये बेडरूम, बाथरूम एंड उसके साथ ये आपका फर्स्ट फ्लोर इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखो, अगर विंडो आप कौन से एक तरफ पे लिए तो यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाता है। और एक चीज, किसी को ऐसे 3D इंटीरियर कट सेक्शन डिजाइन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8095615113। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो तो यूज कर लिया अपन। ये फर्स्ट फ्लोर को जाएगा यहाँ से, ये पूजा रूम का पैटर्न जैसा रियल आप बनाते देखो घर में, सेम वैसे एज इट इज। नाउएडेज दोस्तों इस तरह का टाइल्स भी बहुत इस वाइड वॉस्ट हो चुके हैं अब तक मार्केट में। ये भी बहुत डिमांड पे है फिलहाल के टाइम पर। सो ये एक तरह का पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं अपने घर के लिए खासकर, ठीक है। और देखने में बहुत डिसेंट लगता है। ये देखो फुल HD में आप देख सकते हैं इसको, ऐसा दिखता अगर आपके घर को लगाने के बाद। एक तरह आपको मिल जाता मार्केट में, टाइल्स के शॉप में आप जाके पूछ सकते हैं इस तरह का। सेम इसी तरह से इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब लगा के देखेंगे इस तरफ। अब देखो ये बीच में विंडो आने की वजह से थोड़ा सा उतना सही नहीं हो रहा है। चलो इस दीवार को भी एक लगाते हैं। ये लगा दिए। अब देखो फ्रंट की व्यू देखो, एकदम अलग हटके दिख रहा है। और ऐसे बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जैसा ये एलिवेशन का हो गया। अब रियल मेन डोर भी इसके ऊपर बिठा सकते हैं, मैं आपको मेन डोर बिठा के दिखाऊंगा। बट 3D डोर्स क्या है, कभी भी आप लास्ट में बिठाना चाहिए। यहाँ पर एक था वो है विंडो। चलिए अब अपन विंडो बिठाते हैं। देखिएगा यहाँ पर विंडो बिठा है और रूम के अंदर जो है इस तरह से दिखता है। यहाँ पे एक विंडो,
इधर इधर भी एक विंडो के लिए जगह है, सो हम इसको कॉपी कर लेके बिठाते हैं वहां पर। ये किचन में विंडो आता, इसका हाइट 4 बाय 3 फीट का है ये किचन का विंडो। ओके फ्रेंड्स, एंड वन मोर ऑप्शन, इसको आप मूव करके बीच में भी ले सकते हैं। जैसा इधर आपको ग्रेनाइट लगाना है तो ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं। चलिए वो भी ट्राई करते हैं हम। ये देखो यार, हाई ग्लो से ग्रेनाइट में लिया हूँ, एकदम काला भोर दिख रहा है ये। यहाँ तक दिखा, फिर इसको रिसाइज करना। ओके, इस तरह से दिखता है यहाँ पर। भाई सरप्राइज हो, क्या मस्त टेक्नोलॉजी है यार, सच में इट्स रियली ऑसम। आप लोग यकीन नहीं मान सकते, इतना बेस्ट आया। जैसे आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हैं इसको। जो टाइल यूज करना है रियल में, सिर्फ उसका एक इमेज रहा तो बस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे और एक, चलो इसी को ही कॉपी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखिएगा व्यूअर्स, ये ऐसा दिख रहा है आपका रूम के अंदर। ओके, ये देखो जो ग्रेनाइट आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो सब एज इट इज दिख रहा है। एंड और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसमें शेडोज है। चलिए देखते हैं इसको चेंज करने से क्या होता है। ये ओवरलाइट दिख रहा है यहाँ पर, अगर इसको ये और कलरफुल और वाइट दिख रहा है, देख सकते हैं आप फर्क जो चेंज। सो 3D इंटीरियर बनाना बोले तो मैं, पेशेंस होना उतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है चलो, और एक चीज़ यहाँ पर आप बाथरूम बना सकते हो, बाद में बना लीजिएगा। और फिलहाल अपन फिर टाइल्स लगाते हैं यहाँ पर।
100 वर्ष ये पूरा घर के लिए पूरा फुल बिठाया गया। एंड ये आपका कंपाउंड वॉल, सो कंपाउंड वॉल को भी आप दूसरा पैटर्न लगा सकते हैं, जैसा डिजाइन्स मिलते हैं आपके, बहुत सारे डिजाइन्स मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड वॉल, ब्रिक वॉल डिज़ाइन हो या फिर ऐसा। ये पार्किंग टाइल्स से कंपेयर करें तो ये वाला बहुत बेटर दिख रहा। ओके, इस तरह से दिख रहा है। सिट आउट हॉल, व्यूअर्स ये अब तक इस तरह से हो चुका है। आप फिर बाद में इसको मेन गेट बढ़ा सकते हैं, या आपका कंपाउंड वॉल डिजाइन पैटर्न, तो इस तरह से एक बनाया है, बहुत बेस्ट दिख रहा है देखने में। और फाइनल नेक्स्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पर कलरिंग देना बाकी है। और डाइनिंग एरिया में थोड़ा ग्रास जैसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक यहाँ पर हैंड वॉश आ जाएगा, सो और बेस्ट दिखता। उम्मीद है ये भी आपको बेहतरीन लगा होगा। ओके, इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। चलो लास्ट एक गेट बिठा के देंगे। ये देखिएगा व्यूअर्स, आप बिठा रहे हैं अपन गेट। इस तरह से जो है आपके घर में आप गेट ऐसा बिठा सकते हैं। ठीक है, ये घर के सामने स्टेप्स आ जाएगा, आप स्टेप्स भी बाद में ये कर सकते हैं। सो ये गेट, गेट के अंदर एंटर हो गए। एंटर होने के बाद ये आपका सिट आउट, सिट आउट में छोटा टेबल रख सकते हैं, बैठने के लिए जगह मिल जाता। इधर कुछ कुछ तो सीनरी वैसा लगा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया हो या फिर ये आपका लिविंग कम हॉल एरिया, तो इस तरह का। इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एंड और एक चीज़, इसको आप ये बना सकते हैं, लाइक और HD में भी बना सकते हैं। इसको मैं HD में बना के दिखाऊंगा आपको। ये आउटपुट है, आउटपुट नॉर्मल दिख रहा है, उतना कुछ खास नहीं आ रहा है इसमें, अभी देखते हैं। एक्चुअली वहाँ से भी इसी में ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द सेटिंग्स।
वर्स इस तरह से 3D आ चुका है यहाँ पर, बट उतना बेस्ट नहीं है वैसा जैसा मैं सोचा था। सो देखते हैं और कुछ क्या क्या पैटर्न आ जाएगा इन फ्यूचर में। बेटा से थैंक यू।